कहते हैं समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या इसका अर्थ यह है कि आप केवल समय की प्रतीक्षा करें, सब कुछ अपने भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें, स्वयं कुछ करें ही ना? अरे ऐसा आप करेंगे तो आपको एक वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा, असफलता। अब आप कहेंगे यदि सब कुछ समय और भाग्य पर ही निर्भर करता है तो हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं, प्रयास, परिश्रम। ये प्रयास ही है जो आपके जीवन में उस समय को आपके निकट खींच कर लाते हैं, वो समय जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये भाग्य, ये उसके समक्ष झुकता है जो सदैव परिश्रम करते हैं। राधे राधे। कभी आपने देखा होगा दीपक तले अंधकार होता है, जो दीपक संसार को प्रकाश देता है उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है। किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है और वो ये कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए, धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। राधे राधे।